सिर्फ कच्चे आलूओं से बनने वाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता, जो खाने में बहुत ही टेस्टी, बनाने में बहुत आसान, और ये सबको बहुत पसंद आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा किसी भी सामान का यूज़ नहीं किया है, घर के आसान सामानों से बनकर ये तैयार हो जाता है। तो आप इसको बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। अगर आपका सब्ज़ी या पराठे बनाने का मन नहीं है तो बहुत झटपट बनने वाला ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद काजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये 3 आलू लिए हैं, जिसको हमें अच्छे से धोकर छील लेना है। और अब हम इसको कद्दूकस करेंगे। तो कद्दूकस करने के लिए सबसे पहले हमें एक बाउल में पानी लेना है। अब इसको हमें महीन वाले कद्दूकस से कद्दूकस करना है। तो आपको आलूओं को पानी में कद्दूकस करना है, नहीं तो ये काले भी पड़ सकते हैं। तो इस तरीके से सारे आलूओं को कद्दूकस करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है और 4 से 5 बार अच्छी तरीके से धो लिया है, ताकि आलू का जितना भी स्टार्च था वो निकल जाए। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए हमें आलूओं को जो है वो इस तरीके से निचोड़ के लेना है। तो आपको आलूओं से सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। तो इस तरीके से पानी को निकाल कर हमें इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है। तो इस तरीके से सारे आलूओं को रेडी कर लेंगे। तो आलू बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो जिसमें 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर मिर्च की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, बारीक कटी शिमला मिर्च मीडियम साइज़ की, और कटा हरा धनिया, और यहाँ पर ये प्याज लिया है, जिसको आपको इस तरीके से लच्छे में कट करके लेना है। और अगर आप प्याज नहीं पसंद करते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप यहाँ पर अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 कप अरारोट लिया है, जिसको आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करकर ऐड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 चम्मच अरारोट ऐड करेंगे। और 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही पानी आपको इसमें ऐड करना है। और अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत ही आसान तरीके से बनकर ये तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर अरारोट की क्वांटिटी कम है, तो थोड़ा अरारोट हमें और ऐड करना है। तो 3 आलूओं के नाश्ते को बनाने के लिए आपको यहाँ पर 1 कटोरी अरारोट लगेगा, लेकिन हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। आपको इस नाश्ते में ना ही तो अरारोट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा कम रखनी है। तो आपको यहाँ पर टोटल 1 कप अरारोट लेना है। अब जो बचा हुआ अरारोट है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल आपको यहाँ पर 1 कप अरारोट लगेगा इसमें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। आप इसकी जगह पे बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अरारोट से नाश्ता जो है वो काफ़ी क्रिस्पी बनता है। तो चलिए फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, जिसको हमें ऑयल से अच्छे से ग्रीस करना है। अगर आप इसको पतली लेयर में बनाना चाहते हैं तो आप ये तवे पर भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मोटा अच्छा लगता है। तो आपको इस तरीके से राउंड शेप का कोई भी नॉनस्टिक पैन लेना है, जिसमें बहुत आसानी से बन जाएगा। और इसको चारों तरफ से ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब जो हमने आलू का बैटर बना के रेडी किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो लगभग आपको यहाँ पर 2 बड़े चम्मच इसको ऐड करना है, और इसको इस तरीके से हमें राउंड शेप देना है। तो आप इसको चारों तरफ से अच्छे से फैला दें, और आपको इसको गोलाई का शेप देना है। और आपको इस टाइम पे अपने गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो रखनी है।
तो इसको राउंड शेप दे देना है इस तरीके से। तो इसको शेप अच्छे से दे दिया है। अब इसको हम कवर करके लगभग 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे, ताकि इसमें बहुत ही अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए। तो 7 से 8 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से ऑयल अच्छे से ऐड करना है हमें, ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से सिक जाए। देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आया है। अब दूसरी साइड से भी हम 7 से 8 मिनट के लिए दोबारा से कुक करेंगे, ताकि दूसरी साइड से भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से कलर आ जाए। तो इसको दोबारा से भी हमें कुक करना है। तो 8 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। इधर से भी काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। तो हमारा वेजिटेबल पैनकेक बनकर बिल्कुल रेडी है। चलिए तो फिर इसको सर्व करते हैं। तो सिर्फ कच्चे आलूओं से बनने वाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता, ना ही तो आपको इसमें आलू उबालने का ड्रामा है और ना ही आटा लगाने का झंझट है। तो अगर आपको सुबह इतना टाइम ना हो आपके पास कि आप आटा लगा सकें या सब्जी बना सकें, तो आप लंच बॉक्स में इस रेसिपी को दे सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा मसालों का भी यूज़ इसमें नहीं होता है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।